हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के स्टैटिक फैक्ट्स सब कुछ हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द एक्टिव मोड में आइए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट मैं बताता हूँ, दिमाग से स्लिप ना हो जाए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर क्विज़ भी आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। लूसेंट की भी पीडीएफ भेज दी गई है और रिसेंट की भी पीडीएफ भेज दी गई है। तो ये लूसेंट की रिवीजन सीरीज़ मैंने फिर से स्टार्ट की है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो 10 बजे से रेडी रहिए और वन डे एग्ज़ाम पॉइंट पर ये वीडियो फिर से आने वाला है। उसके बाद दूसरे चैनल पर भी आएगा, BHU एंट्रेंस पॉइंट पर, बट वन डे एग्ज़ाम पॉइंट पर सबसे पहले आएगा। तो रिवीजन के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट सीरीज़ मैंने फिर से शुरू किया है आप लोगों के डिमांड पर, जो कि बहुत कम है, लेकिन डिमांड जैसा होगा वैसा और भी सब्जेक्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार मार्ग खोल दिया है? तो इंडिया हैज़ ओपेंड अ न्यू रूट ऑफ ट्रेड बाय विच कंट्री। तो देखिए, इसका मैप भी मैंने इंक्लूड किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। ऑप्शन आपके सामने है, भूटान, जापान, चीन, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए राइट आंसर। तो भारत ने अभी भूटान के साथ व्यापार करने के नए अपॉर्चुनिटीज़ को खंगाला है। और ये भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और यहाँ की करेंसी है नगल्ड्रम। ठीक है, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। और एशिया महादेश से आज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं सब आपको बताऊँगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो ये भी एक एशियन देश ही है और ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। UAE का मार्स मिशन का नेम है, क्या नाम है? होप। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, होप, ओके, किसका है? UAE का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपको याद रखना है, एशिया कंटिनेंट का इसकी सबसे ऊँची प्लेस जो है ये है माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ है? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और नेपाल में किसका हेड क्वार्टर है बताइए? तो काठमांडू में सार्क का हेड क्वार्टर है। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे फैक्ट्स और पूरा एशिया लगभग आपको याद कराने वाला हूँ। सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहाँ है बताइए? आपके सामने ये है सऊदी अरेबिया, और सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, उसका नाम क्या है बता दीजिए? डेड सी, ये है सबसे लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ है? तो वो है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, चैलेंजर डीप। ओके, और अभी हाल ही में एक लड़की ने चैलेंजर डीप जो है सबसे गहरा जगह वहाँ जाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहिए, डेली करंट अफेयर देखना चाहिए, इसलिए एक टाइम फिक्स कीजिए, सुबह का एक टाइम डेडिकेशन के साथ दीजिए और अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको सुबह से ही याद करके पूरा करिए। मैं चाहता हूँ अप्रॉक्स 8 बजे तक जितने भी लोग एक्टिव मोड में हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो करंट अफेयर्स को ज़रूर देख लें, ताकि ढेर सारे रिवीजन और दिमाग एक्टिव मोड में आ जाए। तो चलिए, अब दिखाते हैं सऊदी अरेबिया, मैंने आपको दिखाया, यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो UAE, ये है अरेबियन पेंसुला, UAE है। UAE की राजधानी है दुबई। दुबई हेड क्वार्टर है किसका? ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और आपको पता ही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये क्या है? तो ये क्रिकेट की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अभी कुछ दिन पहले इमरान ख्वाजा अपॉइंट हुए हैं ICC में, एज अ विच पोस्ट, किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं आपको बताना है। नेक्स्ट फैक्ट याद रखना है आपको, भारत की बाउंड्री। किसी दिन किसी ने कमेंट किया था कि भारत की बाउंड्री, सर आप बांग्लादेश के साथ गलत बता रहे हो, सबसे ज़्यादा लगती है। भाई मेरे, मैंने बहुत सारी जगह रिसर्च भी किया है, और आप NCERT को बेस्ट सोर्स मानो, अकॉर्डिंग टू NCERT, क्योंकि ये रिसर्च बुक होती है और इंडिया के नामी गिरामी प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई होती है, इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, देन आफ्टर चाइना, देन आफ्टर पाकिस्तान। सो यू विल बी मेक सो श्योर ऑफ योर सेल्फ एंड योर नॉलेज। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, अब कुछ राज्य राजधानियों को भी देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, लेकिन यहाँ की करेंसी अभी चेंज की गई है और उसका नाम है तुमान।
इराक की राजधानी है बगदाद, और इराक जो है ये किस नदी के किनारे है, तो टिग्रिस नदी के किनारे। और इराक की करेंसी, इराक की राजधानी बगदाद और करेंसी क्या है, दिनार। ठीक है, यहाँ आपको यमन दिख रहा होगा, यमन की राजधानी है साना, ओमान की राजधानी है मस्कट, सऊदी अरबिया की राजधानी कहाँ है तो बताइए, सऊदी अरबिया और यूएई दोनों में कंफ्यूज़ नहीं होना है, सऊदी अरबिया की है रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी है। ओके, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट्स मैंने आपको बताया था, इसकी राजधानी है आबू धाबी, मैंने शायद दुबई बता दिया है, वो गलत था, दुबई जो है वर्ल्ड का सबसे फेमस मतलब शहर है, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा वो दुबई में है, यूएई में। ओके, तो ये जो है इसकी करेंसी क्या है, दिरहम। तो यूएई में हमने होप मिशन के बारे में पढ़ा था, तो आई होप इतने फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी हैं, और किसी और दिन एशिया मैप पढ़ेंगे तो बाकी हिस्सों को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है, तो ग्रैंड प्रिक्स कई सारे होते हैं साल में, और ये हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, तो इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, और ये चूंकि अभी हो रहा है और अभी का न्यूज़ है तो आपको ये याद रखना चाहिए। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड चेस डे, तो वर्ल्ड चेस डे मनाया गया 21 जुलाई को, क्या ये सही है बताइए, राइट आंसर, तो ये है वर्ल्ड चेस डे, ये है 20 जुलाई को, कब है 20 जुलाई को। अब जुलाई मंथ के जितने भी दिवस हैं ना सबको हम लोग लाइन से रिवीजन करेंगे, और मैं आपको फिर टास्क भी आज इसमें से दूंगा जो आपको कमेंट करके बताना है। तो जुलाई 1 को जो है बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, डॉक्टर्स डे, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे, इंटरनेशनल जोक डे, और चार्टर अकाउंटेंट डे मतलब CA जो होते हैं उनका दिवस, उसके अलावा GST दिवस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2 की बात करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का खेल पत्रकारिता का दिवस कब है, 2 जुलाई, इसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कहते हैं। जुलाई 7 को क्या है, वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करना, ये दिवस है 7 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये जरूर याद रखिए। 12 जुलाई को है इंटरनेशनल मलाला डे, 12 जुलाई को, और वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये कब है, तो 12 जुलाई को मलाला डे, और 15 जुलाई को है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को है इंटरनेशनल जस्टिस डे, और 18 जुलाई को है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, क्या नाम है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 26 जुलाई को है कारगिल विजय दिवस, और 20 जुलाई को मैंने बताया अभी वर्ल्ड चेस डे ही मनाते हैं, 26 जुलाई को आएगा कारगिल की विजय तिथि, 28 जुलाई को जो दिवस है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ओके, और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी है 28 जुलाई को। 29 जुलाई को है इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई को है इंटरनेशनल टाइगर डे, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बहुत छोटा और बहुत शॉर्ट एंड क्लिप्स लेकर आता हूँ। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये है कब, ये है 30 जुलाई को। तो इतने डे अगर आपको याद है ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही जून मई और मार्च अप्रैल के भी मैंने डे की वीडियो अलग से लाई थी, और हर महीने मैं रिवीजन आपका ऑटोमेटिकली करवा देता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करिए, और हाँ अगर आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं तो सब में शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिए। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है, छतरी योजना जो है नवीन रोजगार योजना है, ये शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताने की व्यवस्था की गई है, मतलब व्यवस्था क्या की गई है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेज जैसे सारनाथ, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध की जो है एक तरीके से देहांत हुआ था, और उसे महापरिनिर्वाण, कुछ टर्म हैं जो आपको याद रखना चाहिए, घर छोड़ने की घटना को
कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं जो है जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और आपको ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने कंफ्यूज आपको किया है जानकी, ताकि आप कमेंट कर पाओ कि उनके मृत्यु के घटना को क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो दो उनके जो करीबी थे वो सबसे ज़्यादा उनके साथ चले थे लास्ट तक। एक उनका रथ चलाने वाला था और एक घोड़ा था। ठीक है, तो घोड़े का नाम और रथ का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, छन्ना जो नाम था वो रथ चलाने वाले का था और घोड़ा, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके लाइफ में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सॉरी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीव वॉ के द्वारा। स्टीव वॉ आप जानते भी हों, स्टीव वॉ ये आप अच्छे से जानते होंगे, क्रिकेट लवर होंगे, इनके बारे में कुछ भी डिटेल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कौन बने हैं? पी एस नरसिम्हा, ए के मोहंती, पी प्रवीण सिद्धार्थ, तो ये बन गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ ये राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हैं। और दोस्तों, जो भी मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं दिल से उनका धन्यवाद। तो राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए पी प्रवीण सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। मैं ये बार बार रिवीजन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारतीय मूल की किस लड़की ने अपना नाम दर्ज कराया है? विच इंडियन ओरिजिन गर्ल नेम्ड इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? तो ये हैं स्मृति कालिया। क्या नाम है इनका? स्मृति कालिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च्ड ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ई पोर्टल है ये, तो ये कंपनी है आईकैट, आईकैट ने ये लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पेंशन स्कीम फॉर आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये VVI क्वेश्चन है, और इसके साथ मैंने जो GS का फैक्ट रखा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट है उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में मैंने कल ही एक डिटेल फैक्ट भी बताया था। आज हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट पास होते हैं, आपको पता है ना कि कौन से पास जम्मू कश्मीर में है, कौन से उत्तराखंड में, और जितने ये पासेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले खैबर पास है, ये इंटरनेशनल पास है, अफ़गानिस्तान से इंडिया आने का ये रास्ता है, इसी मार्ग से सिकंदर भारत आया था। ठीक है, सिकंदर इसी मार्ग से बाहर आया था। तो इस पास को रिवीजन करने से पहले इंडिया के माउंटेन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, और जानिए, रिवीजन करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माउंटेन्स से पूछे जाते हैं। कुछ माउंटेन श्रेणी जैसे शुरू होता है ग्रेट हिमालय काराकोरम, इससे काराकोरम जो है ये भारत का सबसे उत्तरी है। काराकोरम हिमालय कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, इसी में भारत की सबसे ऊँची चोटी है K2। ठीक है, भारत की सबसे ऊँची चोटी है K2, और K2 और नंगा पर्वत ये दोनों हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन नंदा देवी कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। अब माउंट एवरेस्ट का आप नाम जानते होंगे, ये है नेपाल में। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाता है? कंचनजंघा। कंचनजंघा कहाँ है ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कंचनजंघा है सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अन्नपूर्णा कहाँ है? तो अन्नपूर्णा भी है नेपाल में। और नमचा बरवा का आपने नाम सुना होगा, नमचा बरवा वह स्थान है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो नमचा बरवा भी हिमालय का पार्ट ही है और यह है अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरीके से गारो खासी जयंतियाँ भी पहाड़ियाँ ही हैं, और गारो खासी जयंतियाँ ये कहाँ हैं? तो ये जो हैं ये हैं मेघालय में। ठीक है, अब आते हैं कुछ और पहाड़ को देखते हैं, जो कि अरावली रेंज है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है माउंट आबू। अब आते हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है अन्नामुड़ी। ठीक है, और पर्वत श्रेणी का नाम है अन्नामलाई, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और जो दूसरी है उसका नाम क्या है? दोदा बेटा।
जो दूसरा सबसे हाईएस्ट है दोदा बेटा, ये है 2637 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे कि पालकोंडा रेंज, जावड़ी रेंज, सेवरॉय रेंज, ये सब साउथ इंडिया के मुख्य पर्वत श्रेणियाँ। अब आइए इस फैक्ट पे आते हैं कि कौन सा पास कहाँ है। जैसे आपने इस पे एक अलग वीडियो भी देखा होगा, जोजीला पास कहाँ है, बनिहाल पास, रोहतांग पास, और ये जोजीला पास ये हैं जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल पास भी है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। काराकोरम रेंज भी है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पास भी होगा। अब आते हैं जलेपला है, जलेपला ये है सिक्किम। लिपुलेख, नीति मान, आप प्लीज़ ये लिख लीजिए। सिपकिल्ला कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। नीति और मान और लिपुलेख, ये तीनों, नीति मान तो लिख लीजिए उत्तराखंड में, नीति और मान कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। अब आते हैं लिपुलेख, तो लिपुलेख अगर आप देखेंगे तो कहाँ है बताइए, ये भी है उत्तराखंड में। और नेक्स्ट जो है कुछ पास हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ हैं, तो ये कुछ पासेज हैं जो कि इंडियन स्टेट के हैं, आपको याद रखना चाहिए। अगला है, किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पर जल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिनरल वाटर बॉटल फैक्ट्री। तो ये जो है एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन है। तो ये जीव है पेंगोलिन। आप में से बहुत लोगों ने पेंगोलिन को शायद नहीं देखा हो, लेकिन ये एक ऐसा जीव है जिसके सेल्स के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी तस्करी की जाती है। बहुत ही क्यूट होता है, लेकिन ये चाइनीज़ पेंगोलिन और चाइनीज ही सबसे ज़्यादा इसे स्मगल भी करते हैं, स्मगलिंग के लिए ये फेमस है, ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा इसकी होती है। तो आपको नाम याद रखना है पेंगोलिन, मैं इसका इमेज भी आपको दिखा दूँगा। रेलवे मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। बाय विच ईयर रेलवे मिनिस्ट्री वांट्स टू कनेक्ट ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैपिटल। तो ये 2023 तक रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये घोषणा किया है कि सारे नॉर्थ ईस्ट की राजधानियों को जोड़ दिया गया है। और रिसेंट के दिनों में मैंने नॉर्थ जो जितने भी राजधानी सॉरी रेलवे हेडक्वार्टर हैं सबको बताया भी है। रिसेंट का रेलवे हेडक्वार्टर बनाया गया है, उसका नाम है वेस्टर्न कोस्टल रेलवे जोन, ठीक है, कोस्टल है, ओके, सॉरी साउदर्न कोस्टल रेलवे जोन, साउदर्न कोस्टल, ओके, साउथ कोस्टल, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। और अगला है 34th टाइम ला लीगा अवार्ड वन बाई वन, मतलब जीतना। ला लीगा एक फुटबॉल क्लब होता है और फुटबॉल का ये अवार्ड होता है, इसे 34वीं बार जीता है किसने, रियल मैड्रिड ने। ला लीगा अवार्ड 34वीं बार किसने जीता है, रियल मैड्रिड 34वीं बार, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगला क्वेश्चन जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ज़रूर जुड़िएगा, किस बीच या समुद्र तट पर पहली बार पीला कछुआ देखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार भी बताया था, तो ज़रूर इसका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और 10 बजे लूसेंट की वीडियो आ रही है, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।